झारखंड की उपराजधानी दुमका से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे दुमका देवघर मुख्य मार्ग में फौजदारी बाबा बासुकीनाथ में भक्तों की प्रार्थना पर फौरन सुनवाई होती है, इसलिए बाबा बासुकीनाथ के दरबार को फौजदारी दरबार के नाम से भी जाना जाता है। यहां सावन भादो महीने के अलावा महाशिवरात्रि, पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी समेत अन्य विशिष्ट दिनों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल कांवर यात्रा कर श्रद्धालुओं का आगमन यहां बड़ी संख्या में होती है। बाबा बासुकीनाथ के बारे में यह मान्यता है कि जब तक वह बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन न किए जाएं तब तक देवघर स्थित बाबा बैजनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बाबा बासुकीनाथ के दरबार के बारे में, जहाँ होती है फौजदारी मुकदमों की सुनवाई। नमस्कार, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं आज खड़ी हूँ भक्तों के दरबार बाबा बासुकीनाथ के दरबार में। आइए उनकी महिमा के बारे में हम जानते हैं यहाँ के पुरोहित सुमित जी से। आइए जी बाबा। जय शंभो, हर हर महादेव, जय बाबा बासुकीनाथ। बाबा बासुकीनाथ की महिमा आप कितने भी कर लें वो अनंत है। शेष अवतारम दारुका वणेश्वरम अद्य नागेश्वरम मम वासुकीनाथम। समुद्र मंथन के बाद जो शेष अवतार वासुकी हैं उन्हीं के नाम से ये वासुकीनाथ है, और ये ज्योतिर्लिंग के रूप में भी लोग मानते हैं। यहाँ लोग अपनी कई व्यथा लेके आते हैं। सब कोई व्यक्ति का कष्ट, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, किसी को नेत्र नहीं है, किसी को पुत्र नहीं है, बाबा की असीम कृपा है, इसकी कितनी भी गाथाएँ गा लें वो पूर्ण नहीं है। प्रभु के शरणागत होने से ही लोगों के प्रत्येक कष्ट मानसिक समाप्त होते हैं। इसलिए कि दीवानी और फौजदारी, यहाँ कोई भी कामना लेके जल्द आते हैं दरबार में और तुरंत पूरा हो जाए, इसलिए फौजदारी दरबार कहा जाता है। यहाँ पे देश के विभिन्न राज्य से आते हैं, छत्तीसगढ़ कहिए, रायपुर कहिए, उड़ीसा कहिए, भुवनेश्वर कहिए, आप नेपाल कहिए, आप गुजरात कहिए, गुवाहाटी कहिए, पूरे भारतवर्ष से, झारखंड, बिहार, यूपी, कहीं ऐसे जगह नहीं है जो बाद हैं। बंगाल भी कहिए, हमारे बगल में बंगाल है, वहाँ से भी लोग आते हैं। हमारे बगल में बिहार राज्य सटा हुआ, वहाँ से भी लोग आते हैं। उत्तराखंड से भी लोग आते हैं। देश प्रदेश, यहाँ तक विभिन्न राज्य के, विदेश से भी लोग यहाँ दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग देवघर आते हैं वो बासुकीनाथ भी उनको आना आवश्यक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बहुत पहले लोग कांवड़ यात्रा चलते थे, प्रारब्ध में लिखा था गंगा का दो पात्र अनुमति ले दिया जाती, एक पात्र बाबा बैद्यनाथ को और एक पात्र बाबा बासुकीनाथ को, इसलिए लोग वहाँ को भी बाबा के एक पात्र जल चढ़ाते हैं, दूसरे पात्र से बाबा बासुकीनाथ, इसलिए दोनों ज्योतिर्लिंग का जो संपर्क है आमने सामने मात्र 44 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ हैं और ये बाबा बासुकीनाथ। हर हर संभव। यह माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया था उसी वक्त बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सामने आया था। सागर मंथन से जुड़ा हुआ बाबा बासुकीनाथ का इतिहास है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए बासुकीनाथ को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं बासुकीनाथ ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहां विराजमान भगवान शिव को बासुकीनाथ कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर के विषय में एक स्थानीय मान्यता यह भी है कि यह स्थान कभी एक हरे भरे वन क्षेत्र से अनाच्छादित था, जिसे दारुक वन कहा जाता था। कुछ समय के बाद यहां मनुष्य बस गए तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दारुक वन पर निर्भर थे। ये मनुष्य कंदमूल की तलाश में वन क्षेत्र में आया करते थे। इसी क्रम में एक बार बासुकी नाम का एक व्यक्ति जो भोजन की तलाश में जंगल आया, उसने कंदमूल प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया। तभी अचानक एक स्थान से खून बहने लगा। बासुकी घबरा कर वहाँ से जाने लगा। तब आकाशवाणी हुई और बासुकी को यह आदेश किया गया कि वह इस स्थान पर भगवान शिव की अर्चना आरंभ करे। बासुकी ने जमीन से प्रकट हुए भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तब से यहाँ स्थित भगवान शिव बासुकीनाथ कहलाने लगे। हिंदुओं में यह मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।